हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। मैं आपके साथ अंजलि पटेल एक बार फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। सॉरी फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद वीडियो अपडेटेड हुई है क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक बना रही हूँ और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप लोगों को कोई टाइपिंग से रिलेटेड, मतलब कि जैसे बैक स्पेस की प्रॉब्लम है या एक्यूरेसी की या स्पीड की प्रॉब्लम है, तो यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं आपके लिए लाइव सेशन लगा सकती हूँ एक ठो, जिसमें आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं मुझसे लाइव, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा कुछ हो तो आप प्लीज़ बता दीजिए मुझे कमेंट करके कि कितने लोगों को, मतलब कि यदि कोई लाइव सेशन में चाहता है कि पूछना चाहता है, मतलब अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सामने बैठ करके, तो वो बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हम अपना नया लेसन चालू करेंगे जो कि हमारा 12th लेसन है हिंदी में, 12 नंबर का है ना, अभ्यास नंबर 12। आप इसे देख रहे हैं, इस अभ्यास को 3 दिन तक करें, है ना, याद रखें। और ये वाला जो लेसन है वो मंगल वालों के लिए भी एक सा और कृतिदेव वालों के लिए भी एक सा। मैंने आपको बताया है कि 13 नंबर तक के जो लेसन है वो एक से ही है, सेम मंगल कृतिदेव, कोई से भी आप 010 016 कोई भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हों तो सबके लिए सेम है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो चलिए ये मैंने कुछ आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिख के रखा है, तो आप पहले इसको पढ़ लें। आपको स्क्रीन में ये साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि इसमें लिखा है कि मंगल टाइपिंग में फा बनाने के लिए, मंगल वालों के लिए है ये, है ना। कृतिदेव वालों के नॉर्मली आप शिफ्ट के साथ क्यू को प्रेस करेंगे तो आपका फा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मंगल वालों के लिए दो तरीके से बनते हैं। पहला तो फा बनाने के लिए पा, मतलब कि आई, आई बटन, पा जिससे आता है, आई बटन आई बटन और शिफ्ट के साथ, मतलब कि आप पा दबाएंगे और शिफ्ट के साथ क्यू दबाएंगे तो भी आपका फा बन जाएगा, क्योंकि ऊ आपने देखा होगा मंगल में ऐसा ऊ आता है ना, ऊ की जो आपकी जो फा के इस तरफ वाली ये होती है ना, ये वाली हाइफन, तो अपन ऊ बनाने के बाद नहीं उसके पीछे बड़ा वाला ऊ बनाते हैं, तो उसकी मात्रा के लिए क्यू शिफ्ट के साथ लगता है। तो आप आई लगा के क्यू शिफ्ट के साथ प्रेस कर सकते हैं तो भी फा आ जाएगा, उसमें दो बटन काउंट होंगी। और यदि आप नॉर्मली भी दबाना चाहते हैं फा, मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ मंगल वालों को, कि जो रेमिंगटन गेल वाले हैं ना, और जो शिफ्ट के साथ भी यदि क्यू दबाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी फा आता है, दो तरीक़ों से फा आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप याद रखिए, ये ऊपर लिखा है क्यू को प्रेस करें और शिफ्ट के साथ नॉर्मल क्यू को प्रेस करने से भी फा ही आता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये मंगल वालों के लिए है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, पहले के अभ्यास आप अच्छे से करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम जाए टेलीग्राम इंस्टाग्राम आप कहीं पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। और चलिए तो हम अपने आगे का आज लेसन सीखते हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, बताए गए तरीकों को याद रखिए। जिसको जो परेशानी हो, मैंने आपके लिए बताया है कि लाइव सेशन है, तो आप लोग यदि बोलेंगे तो मैं उसको भी लगा दूंगी। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जिसको जिस चीज़ में परेशानी हो टाइपिंग से रिलेटेड, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी आप लोग की परेशानी के हिसाब से मैं वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अपनी नेक्स्ट टाइपिंग। तो फ्रेंड्स, आपको ये लेसन दिख रहा होगा, भाभा धामा थोथा फोथी शोधी राणा रांझा ढाबा भाभी। इसमें भा का, था का और आपका ढा, तीन चीज़ों को बताया गया है। तो भा जो है वो सिंपली आपकी जो मिडिल रो होती है, देखिए आपको कीवर्ड दिख रहा है, हाथ की पोजीशन वही है जैसी हम नॉर्मल रखते हैं। भा प्रेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, ठीक है, और लेफ्ट हैंड की मिनी फिंगर से शिफ्ट को प्रेस करना होगा। कैसे, शिफ्ट को हमने प्रेस किया और राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर से भा दबाया, ठीक है। कैसे, लेफ्ट हैंड की मिनी फिंगर से हमने शिफ्ट को प्रेस किया और राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर से हमने क्या किया, एच को दबाया, तो हमारा आधा भा आया, ठीक है। उसके बाद हमको पूरा करना है, तो आपको पता है के को प्रेस करना पड़ेगा मिडिल फिंगर से, राइट हैंड की मिडिल फिंगर से के को प्रेस करेंगे। फिर
फिर मात्रा लगानी है आ की, तो फिर के को प्रेस करेंगे एंड देन फिर वही वही चीज दोबारा, भा भा शिफ्ट के साथ एच और मात्रा दो बार के की, ठीक है। भा भा धा आपको मैंने पिछले ही लेसन में बताया है, ध्वसक ध्वनि जब हमने सीखा था तो राइट हैंड की मिनी फिंगर से धा आएगा, राइट हैंड की मिनी फिंगर से धा प्रेस करेंगे आप बॉटम रो में, ये आपका क्वेश्चन मार्क पे आती है, ठीक है। ये ठीक है, ये आपने धा दबाया, मात्रा लगाना आपको आता है, माँ आपको पता ई पे है, ठीक है। उसके बाद था, था के लिए देखिए फ्रेंड सिंपली है, आपको राइट हैंड की शिफ्ट को प्रेस करना है और लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को दबाना है। जैसे हमने भा के लिए क्या किया था, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को दबाया था, लेफ्ट हैंड की मिनी फिंगर को इसी को अपोजिट कर देना, सीधे राइट हैंड की शिफ्ट को दबाना है मिनी फिंगर से और राइट लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर से क्या दबाना है, एफ को, भा ए सॉरी था, ठीक है। अब ओ की मात्रा मैं आपको बता दूं, आपने के से पूरा किया एंड एक मात्रा लगाई, ओ की मात्रा है इस लेसन में, ओ की भी मात्रा है तो वो मैं आपको बताती हूँ। ओ की मात्रा आपने हमेशा देखा होगा ना कि हिंदी टाइपिंग जो स्टार्ट होती है वो डी से स्टार्ट होती है, ए और एस से क्यों नहीं स्टार्ट होती, इसलिए देखिए जो ओ की ये वाली जो मात्रा है, ये जो ऊपर लगी हुई है ओ की मात्रा, ये आती है हमारी एस से, एस से, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जैसी के से दो बार दबाए था हो गया, अब ओ की मात्रा लगाने के लिए मतलब कि ए की मात्रा लगाने के लिए जो कि बन जाएगा ओ, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एस को दबाना पड़ेगा, आ की मात्रा के ऊपर एस को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए की मात्रा आएगी, एस से आपकी ए की मात्रा आती है, ठीक है। फिर था आपको फिर से प्रेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से फर्स्ट फिंगर एफ है ना और मात्रा, ठीक है। फा, फा के लिए मैंने आपको दो बताए हैं, मंगल वाले दो तरीके से कर सकते हैं, आई और शिफ्ट के साथ क्यू को प्रेस करेंगे तो भी फा बनेगा, नॉर्मली भी शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो भी फा बनेगा, ठीक है। तो और कृतिदेव वालों के लिए क्या है, शिफ्ट के साथ क्यू, राइट हैंड के मिनी फिंगर से शिफ्ट को प्रेस करना है, लेफ्ट हैंड के मिनी फिंगर से क्यू को प्रेस करना है, ठीक है। ये ठीक है, ये देखिए ये ठीक है, इसको प्रेस करेंगे आप तो फा बनेगा। ओ की मात्रा लगाने के लिए के, मतलब कि हमने आ की मात्रा लगाई, और ए की मात्रा लगाने के लिए एस, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर से आपको प्रेस करना है एस, ठीक है। था फिर आपको पता है एफ, मात्रा लगाई हमने और फिर बड़ी मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, थी एच से, ठीक है। श आपको पता है ये जस्ट बाजू में, ये मिनी फिंगर से इसको प्रेस किया, मात्रा लगाने के लिए नॉर्मली हमने क्या किया, के को दबाया, ओ की मात्रा फिर से लगाने के लिए एस को प्रेस किया, डी, ठीक है। राणा, रा आपको पता है, जे के फिर ना कहाँ पे है, राइट हैंड की रिंग फिंगर मतलब कि डॉट वाली फिंगर को प्रेस करना बॉटम की, है ना। राणा, रांझा, इसमें अम की बिंदी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। रा, अम की बिंदी के लिए क्या करेंगे हम, ए को प्रेस करेंगे, है ना। एस से हमने क्या सीखा था, ए की मात्रा, और अम की बिंदी कहाँ से आएगी, ए से, ठीक है। याद रखिएगा इसमें ए और एस दोनों का बताया गया है ना, आपकी जो मात्रा रहेगी वो किससे, एस से आएगी और अम की बिंदी ए से। तो रा झा किससे आएगा, आपने अभी जो ये रा प्रेस किया है बिना शिफ्ट के, विदाउट शिफ्ट के आपने राइट हैंड की रिंग फिंगर से प्रेस किया था ये, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, तो लेफ्ट हैंड का शिफ्ट एंड राइट हैंड की रा वाली बटन, ये देखिए मैं आपको नीचे करके थोड़ा दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाली फिंगर, ये आपको प्रेस करनी है शिफ्ट के साथ, तो झा आएगा, झा झंडे का, ठीक है। इसको पूरा किया, ढा, ढा के लिए भी सेम आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड की शिफ्ट का प्रयोग करना है मतलब कि दबाना है, और राइट हैंड की अभी हमने रिंग फिंगर का किया, अब हम मिडिल फिंगर का करेंगे तो कॉमा वाली बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ढा आएगा, ठीक है। ढा, वा आपको पता है ओ से आता है, ठीक है। और भा तो आपको पता है भी की मात्रा के लिए एच को प्रेस करेंगे, है ना, शिफ्ट के साथ ए, है ना, जिससे क्या आएगा आपका फुल स्टॉप। अब नॉर्मली मैं आपको फिर से बताती हूँ कैसे एक इसकी इंग्लिश लिख देती हूँ, जिससे आपको नॉर्मली करने में टाइपिंग कोई परेशानी ना जाए और आप सिंपल तरीके से इसको कर लें, ठीक है। तो मैं इसको हिंदी भी लिख देती हूँ,
शिफ्ट के साथ है बड़ा है तो शिफ्ट के साथ, छोटा है तो आपको हैंड पोजीशन पता है कहाँ पे किस शिफ्ट का प्रयोग करना है, मैंने अच्छे से एक एक बताया अब भी आपको, ठीक है, तो आप वैसे ही करिएगा। ठीक है, ये पूरी जो इंग्लिश की आपको दिख रही है टाइपिंग, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना हो वो कर लो, है ना। आप नॉर्मली क्या करोगे, ये देखो अभी मैं इसको हिंदी में ट्रांसफ़र आपको करके भी दिखा दूंगी, तो जैसा आपका लिखा है वही लिखा है सेम, ये देखिए पूरा लेसन आपका वही लिखा है, ठीक है सेम। तो आप लोग ये याद रखिए कि इंग्लिश मैंने आपको इसलिए दिया है जिससे आप नॉर्मल तरीके से, जो कैपिटल में है कैपिटल, जो स्मॉल में है स्मॉल, आपको बटन की भूल चूक ना हो, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश में भी लिख के दे दिया है। तो नॉर्मली फ्रेंड्स मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसको ना आया हो वो फिर से पूछ लेगा। एक बार मैं आपको इसकी स्पीड बता देती हूँ, आपको ये 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करनी है, जब तक कि आपके 2 से 3 पेज नहीं भर रहा है, इसी को सेम इसके बाजू में प्रेस मतलब कि टाइपिंग करनी है, जब पूरी एक लाइन मतलब कि कंप्लीट हो जाए, इसको और इसको मतलब एक और इसके जैसा बाजू में टाइप करने के बाद कंप्लीट ना हो जाए, उसको फिर आपको 3 पेज टाइपिंग करनी है 1 घंटे में। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए तो आप चेंज कर लें, और याद रखें कि जब भी आप नया लेसन करने पहले बैठे, इसके 10 मिनट पहले आप पहले के लेसनों को प्लीज़ 3-3, 4-4 लाइन रिवाइज करते जाएँ, उनको अभी छोड़ना नहीं है। और मैंने कहीं पे भी बैक स्पेस नहीं बताया, तो बैक स्पेस का बिल्कुल भी आप प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, भाभा कितनी तेज़ी से करना है, धामा थोथा पोथी, जब तक आपके हाथ कहीं नहीं रुके, ठीक है, सिंपली धीरे धीरे कीजिए। देखिए मैं भी आपके सामने सिर्फ 15 की स्पीड से टाइपिंग कर रही हूँ ये, और कहीं मेरे हाथ नहीं रुके हैं, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मली जब आपका अच्छे से ये वाला लेसन हो जाए तभी आप इसको छोड़ें, नहीं तो अन्यथा करें कहीं परेशानी जाए, तो आप मेरे से बिल्कुल भी टेलीग्राम में बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और जो लाइव क्लासेस का है वो तो आप देख लीजिएगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही अपन कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छे से सीखिए लेसन को, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन में, तो आपको क्लास अच्छी ही लगी होगी, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।